निगम शिमला की महापौर कुसुम सदरेट शिमला के बिवलिया स्थित सिवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के समीप बने बायोगैस प्लांट का निरीक्षण किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अभी इस गैस से दो परिवार लाभान्वित हो रहे हैं और निगम का प्रयास रहेगा कि इससे तैयार हो रही गैस की क्षमता को बढ़ाया जाए ताकि यहाँ रह रहे और लोगों को भी इसका फायदा मिल सके। नगर निगम शिमला की महापौर कुसुम सदरेट ने अपनी टीम के साथ शिमला के बिवलिया स्थित सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के समीप बने बायोगैस प्लांट का निरीक्षण किया। कुसुम सदरेट ने कहा कि 36 लाख रुपए की लागत से निर्मित इस बायोगैस प्लांट से यहां शुरुआती दौर में दो परिवार लाभान्वित हो रहे हैं और उन्हें बाजार से सिलेंडर लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि इस प्लांट में रसोई में बेकार पड़ी खाद्य वस्तुओं या बचे हुए खाने से गैस तैयार की जा रही है। महापौर ने कहा कि निगम का प्रयास रहेगा कि इससे तैयार हो रही गैस की क्षमता को और अधिक बढ़ाया जाए ताकि यहां रह रहे और लोगों को भी इसका लाभ मिले। यहां पे एसटीपी प्लांट भी है और बायोगैस प्लांट भी है। आज हम जो है बेवलिया बोलते हैं यहां पर, वहां आए हैं और यहां पर जो है यूरोपियन यूनियन के तहत एक प्रोजेक्ट लगा है, बायोगैस प्लांट है, उसमें जो हम लोग 6 महीने से काम कर रहे हैं और अब जो है सक्सेसफुली 2 महीने से यहां पर जो गैस बनना शुरू हुआ है। और इसमें जो है हमारा सब्जी का वेस्ट है और जो होटल का वेस्ट बचता है खाना, उससे हम लोग जो है गैस जो है पैदा कर रहे हैं। तो मुझे लगता है एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है नगर निगम के लिए, पहली बार ऐसा हुआ है नगर निगम के उसमें क्षेत्र में। और इससे जो यहाँ पर हमारे 6 परिवार जो रहते हैं उसमें से भी 1-2 परिवार जो है इस गैस को यूज़ कर रहे हैं, तो उनको जो है बाहर से जो LPG गैस सिलेंडर जो नहीं लेना पड़ता है, अब वो इसी गैस को जो है यूज़ कर रहे हैं। तो अभी इसकी कैपेसिटी अगर अभी हम बात करें, क्योंकि अभी लेटेस्ट ही शुरू हुआ है, 1-2 महीना हुआ है, तो अभी इसमें जो है 200-300 किलो जो है अभी वेस्ट इसमें यूज़ कर रहे हैं, लेकिन अभी 2-4 दिनों के बाद इसमें जो वैसे इसकी कैपेसिटी जो है 1 टन की है, लेकिन अभी ये शुरू हुआ है, कल्चर बनने में टाइम लगता है, तो उसके तहत जो थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन यहाँ पर जितने भी आसपास के लोग हैं और जो यहाँ पर हमारे वर्कर रहते हैं उनको हम यही गैस जो है देंगे। इसमें जो चूल्हा भी देती है कंपनी और साथ में जो गैस तो यहीं बन ही रही है, तो और ये गैस जो बहुत अच्छी और बहुत तेज़ गैस है और मुझे लगता है जो यहाँ के जो लोग हैं सभी इसको इसका लाभ लेंगे। अभी 1-2 परिवार ले रहे हैं और बाकी सभी को भी हम चूल्हा जल्द से जल्द प्रोवाइड करवाएंगे ताकि वो भी इस चीज़ से लाभान्वित हों। और ये जो है नगर निगम की बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि पहली बार जो है नगर निगम शिमला में जो ऐसा जो है एक प्लांट देखने को मिला है और जिससे कि गैस भी मिल रही है और साथ में आपका वेस्ट जो है वो भी ख़त्म हो रहा है। नहीं तो हमको हर वेस्ट जो है बार बार उधर अपना भड़ियाल प्लांट भेजना पड़ता है। लेकिन और हम ये भी चाह रहे हैं कि नगर निगम जो है जगह जगह जहाँ हॉस्टल है, स्कूल है, यूनिवर्सिटी है, वहाँ वहाँ जो इस तरह के जो है बायोगैस प्लांट लगाए जाएँ ताकि जो हॉस्टल में बच्चे रहते हैं उसको भी उनको भी ये गैस जो है सप्लाई हो ताकि जो है उनका खाना पीना और जो है पानी गर्म होना है सारा उस जो है फ्री हो जाएगा। और नहीं तो जैसे हम लोग जाते हैं और जगह भी देखते हैं, जैसे आपने देखा होगा अभी बेंगलोर में अगर जाओगे आप तो बेंगलोर में एक कंपनी है वो भी जो है वेस्ट से ही पूरा जो है खाना वाना वहाँ बनता है।